ओके जी। श्री अकाल तख्त साहब हमेशा इतों ही सरबत के पले की गल की गई है श्री अकाल तख्त साहब तो। अज असी मनुखी अधिकार संगठन वालों श्री अकाल तख्त साहब से बेनती करन आए हैं कि जो मनुखी अधिकारां दे तहत काफ़ी लंबे समय तो बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई संघर्ष किया जा रहा है, जो मुहिम पंजाब भर दे विच शुरू की गई है कैंडल मार्च राही बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई गल करन लई, उन्हां दे हक्कां दे बारे गल करन लई जो कि मनुखी अधिकारां दी बहुत वड्डी उलंघना हो रही है कि काफ़ी लंबे समय तो जो बंदी सिंघ जेलां विच अपनियां सजावां पूरियां करन दी बाद भी बैठे हुए हैं, उन्हों की जब रिहाई नहीं हो रही उस चीज़ में लैके ह्यूमन राइट्स एसोसीएशन मानव अधिकार की उलंघना मनुखी अधिकारों की उलंघना देखना। अज असी श्री अकाल तख्त साहब बेनती की है कि जो साडा 21 तरीक में श्री अमृतसर साहिब के कैंडल मार्च हो जा रहा है उसकी अगवाई श्री अकाल तख्त साहिब वालों की जाए तो साढ़े नाल। अच्छा, बहुत सारे धरने लगाए है रोडों के उ निकले कैंडल मार्च किए पट्टिया गाड़ियां बनिया, फिर भी हल क्यों नहीं हो रहा, क्यों आखिरकार रिहाई नहीं की जा रही, तुहानू की कारण लगता है? देखो कारण तो सीधा सीधा जी है कि अगर तो सियासत की जा रही है तो बड़ी ही माड़ी गल है, क्योंकि अगर देश का संविधान एक है, देश एक है, कानून एक है, तो बंदी सिंघां लई भी वही चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए जो बाकी इतों के नागरिकों लई हुंदी है, क्योंकि हर नागरिक का हक है इस देश दे विच, तां बंदी सिंघां दा भी बराबर का ही हक है। हुण असीं अगर तुलना करते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स ने जो कि देश लई बड़ी गंदी तस्वीर साबित होंगे सी, बिकस बानो के हत्यारे कह लिए, रेपिस्ट कह लिए, या राजीव गांधी के हत्यारे की गल कर लिए, तो अगर वो रिलीज़ हो सकते तो बंदी सिंह क्यों नहीं? तो कि ना कि जो घट गिनती लैके टारगेट किया जा रहा हुकूमतों वालों उस चीज़ के लिए भी साड़ी आवाज़ बुलंद असी कर रहे हैं, और जिथे कि बहुत वड्डी गल है कि मानवता का उलंघन और मनुखी अधिकारों की जी उलंघना है उसके बारे में। श्री अकाल तख्त साहब जी अज इतने पहुंचे हैं तो असी की उम्मीद रखते हैं कि लगता है कि इतों कोई आवाज़ निकलेगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल सानू यकीन दवाया गया इन्होंने वालों कि श्री अकाल तख्त साहब वालों इन्होंने जां तां कोई ना कोई नुमाइंदे या जो भी साडे नाल साथ देंगे साडे कैंडल मार्च, क्योंकि एक मानवता की जो लड़ाई जो संघर्ष चल रहा है ये हर धर्म हर वर्ग अगे आ रहा है, तो असं अकाल तख्त साहब तो बहुत उम्मीद रखते हैं क्योंकि इतों अकाल तख्त साहब तो जोड़े दिते हुए आदेशों नाल पूरे सरबत का भला होया पूरे विश्व भर के, अज सानू भी जरूरत है इन्हों के साथ की, इन्हों के सहयोग की, तो सानू वीर जी होना भी यकीन दवाया कि जरूर अकाल तख्त साहब को पहुंचा जाएगा। कैंडल मार्च की तरीक कि होगी, टाइम किएगा, कितों लैके कितों तक चलता है? 21 अक्टूबर में भरावान के ढाबे तो लैके श्री हरिमंदर साहब तक कैंडल मार्च आएगा, उस तो बाद श्री अकाल तख्त साहब से बंदी सिंघां की रिहाई के लिए अरदास की जाएगी शाम को 6 बजे। मंग पत्र अपने मनुखी अधिकार संगठन के जी जसविंदर कौर जी मंग पत्र लिखी आए हैं कि बंदी सिंघां की रिहाई वास्ते 21 तरीक को कैंडल मार्च कढ़िया जाएगा जो दरबार साहब तो अकाल तख्त साहब पहुंचेगा, तो इन्हों की मंग है कि अकाल तख्त साहब वालों इस मार्च की अगवाई की जाए, तो सिंह साहब जी ने यह मंग पत्र दिता जाएगा जो कोई ना कोई सिंह साहब जी वालों नुमाइंदा अगवाई वास्ते भेजा जाएगा।